इन चार लाइनों को जरा ध्यान से समझिएगा। वेद पुराण की सारी आभा ले डूबे, काशी कैलाश और काबा ले डूबे, लोग कैसे समझे कि धर्म क्या है, धर्म को अब ढोंगी बाबा ले डूबे। आसान भाषा में बताऊं तो ये जो स्क्रीन पर आप बाबा देख रहे हो, इसने भी ऐसा ही किया है। ये भी उन नकली झोला छाप बाबाओं की श्रेणी का है जिन्होंने बाबाओं का नाम मट्टी पलीत कर रखा है। लेकिन इसका पोस्टर देखिए, देशभक्ति की आड़ में हमारी बहु बेटियों को फंसा रहा है और अपना शिकार बना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। पहले मैं कुछ भूमिका बांधता हूं क्योंकि आप लोगों को बिना भूमिका वाली न्यूज पसंद नहीं आती है, तो लीजिए भूमिका। आपको तो पता ही है कि हम जैसे लोग वो दिखा भी रहे हैं कि ये ढोंगी बाबा किस तरह लोगों की भावनाओं के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई कभी महिलाओं की आबरू को लूटता है तो कभी धन दौलत को कोई लूट जाता है। यदि नरसिंहा सिंह हो या बागेश्वर बाबा हो, इन पर आरोप लगते रहते हैं। पिछले कई वीडियोस में आपने देखा कैसे धर्म का चोला ओढ़कर ढोंगी बाबा देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। कोई दिल्ली में धर्म संसद में कत्लेआम की बात करता है तो कोई सीधा महिला संघ गंदी हरकत कर रहा है। दिल्ली में तो सीधे तौर पर बाबा ने मुसलमानों अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने का ऐलान तक कर दिया, और वो भी पुलिस के सामने। लेकिन कानून तो अंधा है ना, उसे ये तस्वीरें नहीं दिखती हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बाबाओं को पुलिस और सफेद पोशों का संरक्षण मिला हुआ है। तभी तो आए दिन कांड करते रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी बानगी भी आपको देखने को एक बार नहीं कई बार मिल चुकी है और मैं एक बार फिर बताने जा रहा हूं। एक खबर के मुताबिक झाड़ फूक व ताबीज देकर मजमा जुटाने वाले चकिया कोतवाली अंतर्गत गांधीनगर निवासी पिंटू बाबा का कृत्य आखिरकार सामने आ ही गया है। इलाज के लिए गांधीनगर स्थित आश्रम में पहुंची वाराणसी निवासी 25 वर्षीय एक युवती के साथ जबरन दुराचार किया गया। पीड़िता के काफी प्रयास के बाद कोतवाली पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद कथित बाबा के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज किए जाने के 2 हफ्ते बाद भी कथित बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़ित युवती ने तहरीर में आरोपी दुराचारी बाबा का संबंध भाजपा व सपा के बड़े नेताओं से होने को इंगित किया है। दुराचार के मामले में घिर चुके कथित पिंटू बाबा गांधीनगर स्थित आश्रम छोड़कर फरार है। पुलिस ने बाबा के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि बाबा उसे जान से मारने की लगातार धमकी भी दे रहा है। आरोप लगाया है कि कथित बाबा को पुलिस ने खुला संरक्षण भी दे रखा है और बोली कि उसकी जान भले ही चली जाए पर कथित बाबा जब तक जेल नहीं जाएगा तब तक वो चुप नहीं बैठेगी। कोतवाल मुकेश कुमार ने कहा है कि पीड़िता की तहरीर पर कथित बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए 1 हफ्ता हो गया है, पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बयान के बाद कथित बाबा की गिरफ्तारी की जाएगी। समझ रहे ना, पुलिस कितनी अच्छे से और तेजी से चल रही है। इस मामले में लोगों ने सवाल भी सरकार पर उठाए हैं और कई बड़ी बातें कही हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मार्केट में एक और नया बलात्कारी बाबा जो भगवा पहनता है, देश की अधर्म संसद जो खुद को धर्म संसद कहती है, ऐसी घटनाओं से उनका धर्म हिंदुत्व और भावनाएं आहत नहीं होती। बलात्कारी बाबा कई नेताओं के संपर्क में है, मतलब गोदी मीडिया कल इसके भी चमत्कारी गुणगान पर डिबेट करेगा। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब ये बाबा भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेगा, फिर बनेगा बड़ा बाबा 6-6 गोलियों वाला बाबा, फिर और रेप बलात्कार करेगा, सभी इसको माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे, कोर्ट इसको बाइज्जत बरी कर देगी, बोलेगी गलती औरत और लड़की की होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाबा नेताओं के संपर्क में है।
अन्य यूजर ने लिखा है कि बाबा के रूप में अभी लाखों बलात्कारी छुपे हैं, इन गुंडों को बाहर निकालने की जरूरत है और इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि कानून व्यवस्था है लाचार, जनता है बीजेपी से परेशान। सच आपके सामने है, भगवा चोला ओढ़कर कैसे भोली भाली जनता को फंसा कर ढोंगी बाबा रेप करते हैं या महिलाओं संग गंदी हरकतें करते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं। ऐसे बाबाओं के लिए आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।